बीकानेरी भुजिया के बादशाह की कहानी। भुजिया का नाम आते ही एक बड़ी सी काले रंग की कढ़ाई और लाख सफाई के बावजूद आसपास भिनभिनाती हुई मक्खियों वाली किसी हलवाई की दुकान की तस्वीर उभरती है, लेकिन बीका जी ने इस तस्वीर को तोड़ा है। यूं कहें कि फूड चेन को दिखने में भी आकर्षक बनाने की शुरुआत की है। हालांकि बीका जी ग्रुप का ये सफर आसान नहीं रहा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बीका जी ब्रांड के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बीकानेर की आधी आबादी भुजिया बनाने में व्यस्त है, तो आधी आबादी इसे खाने में। ये बात सच हो या नहीं, पर हाँ इतना जरूर है कि कुल भुजिया का प्रोडक्शन के आधे से ज्यादा हिस्से पर बीकानेर के बीका जी ग्रुप का ही राज है। बीका जी ग्रुप के चेयरमैन शिवरतन अग्रवाल ने अपने इस ट्रेडिशनल बिजनेस को एक ग्लोबल पहचान दिलाई। बीकानेरी भुजिया के तीखेपन और रसगुल्लों की मिठास के अनोखे स्वाद को सात समंदर पार खाने के शौकीनों तक पहुंचाने और उसे एक खास पहचान दिलाने का क्रेडिट बीका जी फूड्स को ही जाता है। जीवन में कुछ अलग और बेहतर करने का सपना लिए महज आठवीं पास शिवरतन अग्रवाल के मन में एक ऐसी भुजिया फैक्ट्री लगाने का ख्याल आया जो महज एक भुजिया फैक्ट्री ना हो, बल्कि उसे एक ग्लोबल पहचान मिले। पुश्तों से भुजिया का ही कारोबार कर रहे शिवरतन के पिता को शुरू में तो यकीन ही नहीं हुआ कि भुजिया बनाने की कोई फैक्ट्री भी हो सकती है। 1987 में बीकानेर में भुजिया फैक्ट्री की शुरुआत हुई। दो बैंकों ने भुजिया के नाम पर कर्ज देने से इनकार कर दिया था। जैसे तैसे एक बैंक कर्ज देने के लिए राजी हुआ। 1993 में फैमिली बिजनेस के बंटवारे के बाद बीका जी ब्रांड की शुरुआत हुई। फैक्ट्री लगाने से पहले भी दिमाग में यही ख्याल रहता था कि ऐसे किन होम अप्लायंसेस का सहारा लिया जाए जिससे समय भी बचे, काम करने वालों को आसानी हो और ज्यादा क्वांटिटी में भुजिया पापड़ आदि का प्रोडक्शन किया जा सके। शिवरतन अपने एक दोस्त मक्खन अग्रवाल के साथ पापड़ भुजिया को बनाने के काम में आने वाली सामग्री बेसन इत्यादि लेकर भटकते थे ताकि डेमो देकर कुछ जरूरी उपकरण तैयार करवाए जा सके। लेकिन अब बीका जी फूड कंपनी आज 1400 करोड़ रुपए की कंपनी है, जिसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए का है। अब भुजिया, पापड़ और रसगुल्लों के अलावा बीका जी की पानी पूरी तक शानदार पैकिंग में उपलब्ध है। बीका जी के यहाँ कुल 80 फूड आइटम बनते हैं। शिवरतन 63 साल की उम्र में आज भी रोज फैक्ट्री जाते हैं। भुजिया बनाने वाले से लेकर पैकिंग करने वाले कर्मचारी तक हर किसी पर उनकी नजर रहती है। वो सबको निजी तौर पर जानते हैं और ज्यादातर कर्मियों को उनके नाम से पुकारते हैं। पिता दिवंगत मूलचंद और माँ चुकी देवी के चार बेटों में से एक शिवरतन का सारा ध्यान इसी बात पर रहता है कि किस स्वाद या नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए जिससे जायके की दुनिया में उनकी बादशाहत बरकरार रहे। इस काम में उनकी पत्नी सुशीला भी उनकी काफी मदद करती हैं। 2010 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन बीकानेर के नाम हुआ था। कभी बोरियों में भर कर ले जाए जाने वाली भुजिया को पहले कार्टन में पैक करके भेजा जाना शुरू हुआ। आज ऑटोमेशन पैकिंग के चलते बीका जी के चमचमाते पैकेट्स ट्रेडिशनल फूड को आकर्षक बना रहे हैं। आज अमेरिका, यूरोप, खाड़ी के तकरीबन 24 देशों में बीका जी के प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट किया जा रहा है। बीका जी ने हर दिन 50 टन भुजिया के प्रोडक्शन का रिकॉर्ड भी बना लिया है। शिवरतन अग्रवाल के बेटे दीपक अग्रवाल भी अब पिता के कारोबार में अपना हाथ बटा रहे हैं। 2014 में कंपनी ने एक नई श्रृंखला रेडी टू ईट, रेडी टू कुक लॉन्च की है, जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन ब्रेकफास्ट पर फोकस किया गया है। बीका जी ग्रुप ने अपने रिटेल आउटलेट भी खोले हैं जहां उनके सभी प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। अब तक मुंबई समेत देश भर के कुल 25 शहरों में ये आउटलेट खोले जा चुके हैं। शिवरतन बताते हैं कि जल्द ही वो लंदन में बीका जी का आउटलेट खोलने जा रहे हैं। जिन देशों में अभी बीका जी के आउटलेट नहीं खुले हैं वहाँ भी पॉसिबिलिटीज देखी जा रही है। उनकी कोशिश है कि कंपनी आने वाले सालों में अपना IPO भी लेकर आए। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस कारोबारी की मेहनत, जुनून और करिश्मा ही है कि उन्होंने भुजिया जैसे ट्रेडिशनल बीकानेरी प्रोडक्ट को ग्लोबल बना दिया। शिवरतन लगन, मेहनत और कभी हार न मानने के जज्बे को ही अपनी सफलता का मंत्र मानते हैं। तो ये थी बीका जी की सफलता की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें कमेंट करना ना भूलें। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।